हेलो, सलाम हाँ बोलिए। अलैकुम। अच्छा, हम फारूक जी बोल रहे हैं भैया, कलकत्ता से। हाँ फारूक जी बोल रहे हैं क्या? बोलिए सर, आप कौन बोल रहे हैं? आफ्ताब जी, जी। सर रफ्ता जी बोल रहा हूँ मोहम्मद आफ्ताब जी। बोलिए मोहम्मद आफ्ताब साहब, क्या हाल चाल है? ठीक जी। ठीक ठीक है जी ठाक है? सर। नमाज उमाज पढ़ लिए? हाँ सर, जुम्मा की नमाज पढ़े जुमा की नमाज पढ़ ली। कहाँ आप हैं? घर पे है ना, ससुराल में? जी सर। हाँ सर, आए? कहाँ बता दें आपको, कोई सुविधा बताइए। सुविधा हम बतावे सर जी, कि सुविधा आप बताइएगा। हमको तो आप जानने करते हैं, आप आए? बताइए कि सुविधा क्या होगा, कहाँ बता देंगे तो आपको सुविधा होगा। नहीं, सुविधा का रास्ता आप बताइएगा सर जी, हम जूनियर क्या बताएंगे? मरता क्या हाँ नहीं बताइए। करता, आप तो ना ना हमको कुछ मार बताइए। दिए, हाँ आप तो हमको मार दिए, एक गरीब कैसे आदमी को ले लिए। आए कैसे सर कैसे? हम्म, कैसे का कैसे? आए आप कलकत्ता में विराजमान हैं, गिरेमान, आप कलकत्ता में विराजमान हैं, विराजमान समझते हैं यानी कलकत्ता में क्या है जी। गिरेमान का मतलब महान आदमी। हाँ महान आदमी। हाँ, गिरेवान हाँ का मतलब महान आदमी ना हुआ सर, तो यानी अच्छा हम कलकत्ता में महान आदमी है, तो इसका जी। मतलब सर हम 5 स्टार होटल हम ही चला रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलकत्ता में है ना भाई, सबसे बड़ी बात ये है। अरे भाई, हाँ गिरेमान का मतलब महान आदमी, और आप कलकत्ता में है तो इससे जाहिर होता है कि आप 5 स्टार होटल चला रहे हैं। हाँ हाँ ये हम भी समझ गए। हाँ हम अच्छा जिस तरह सर बोलते हैं जी, मतलब 5 स्टार होटल। हाँ अच्छा सुनिए ना सर जी, ये सब बोलने से काम होगा? कल थाना में आप गए तो क्या हुआ, उसका कुछ रिपोर्ट बताइए तो। और ऐसे बताया नहीं कि थाना में जो गए ना तो बड़ा बाबू नहीं थे, अच्छा छोटे बाबू थे। समझे? तो बड़ा बाबू नहीं थे तो बड़ा बाबू कहीं नहीं बात, या छोटा बाबू कहीं नहीं बात कि ये मामला जो है यहाँ अच्छा का तो है नहीं, ये मामला पटना का है, अच्छा तो ऑफिस पटना में है तो आप केस कीजिए पटना में। अच्छा तो वो मनोज तो थे ना, तो अच्छा मनोज जी हाँ, कहें कि मनोज जी नहीं से बात हुई, मनोज जी थे और भूषण सर से बात हुए। जी। अच्छा हाँ, पर मनोज जी से सब आप बोले कि सर ऐसा है कि हम लोगों का जमीन जो है हड़प करके अफीम और गांजा का चल रहा है धंधा, जी और जी यहाँ जी गरीब आदमी सब मर रहा है, बिल्कुल सत्य इस बात है पैसा को जो है से आपके माध्यम से पकड़ना चाहिए जी। जी। तो कहीं कि हम कहाँ पकड़े जाएंगे, तो बहुत देर बात होने के बाद कहीं कि ये भाई एक काम कीजिए, ये जो है तो बड़ा बाबू समझेंगे, बाकी कोतवाली में आपको चेक करना चाहिए। अच्छा, हाँ तो मनोज जी कहें कि पटना कोतवाली में हुआ है और सिविल लाइन में भी हुआ है, अच्छा हर जगह ही केस हुआ। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो आपको भी जहाँ तक बनता है इसमें सहयोग करिए और उसको पकड़िए ताकि हम लोगों को पैसा मिलेगा, मिल सके। हाँ मिल सके जी, निवेशकों का पैसा जल्दी से भुगतान हो सके। हाँ हो सके, यही बात हुआ। आखिर भाई और थाना थाना जो है हम लोग का एरिया में थाना है, तो अगर एरिया का थाना काम नहीं करेगा तो करेगा कौन? पटना का थाना काम करेगा जी? नहीं, उस पर दबाव बनाना होगा। जैसे सर जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग जमा कराते थे और जो लोग जमा करता था वो अच्छा भी अगर जमा करने वाला भी आएगा, जमा करा का जो जो लोग किया, अरे भाई तो हम उनमें लोग को तो भी सब हम जमा किए थे ना, कौन सा एजेंट बाकी नहीं है जो तो पैसा जमा नहीं किया था? उसका कहना ये हुआ कि जमा करने के टाइम में कोई पूछा नहीं हम लोग से, वैसे कोई नहीं इंसान आप पूछता है। हाँ अरे भाई, केस करने से पहले कोई इंसान लड़ता है कि भाई केस हो जाएगा, ऐसा कोई सोचता ना, है तो केस क्यों हो ना, जाता है? ना, हाँ कहने का कैसे मतलब है कि हमको आपसे झमेला है, हम आपको मारेंगे तो आप केस जी। कीजिएगा ना जी। हाँ जी है तो केस कीजिएगा, तो क्या उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि थाना में केस हो जाएगा, कि जब हाँ मार हो हाँ जाता जी। है तब केस होता है? जी अरे जब गोल आदमी मरा जाता है तभी ना केस होता है कि मर्डर हाँ हो गया, मर्डर हो गया। अरे रोड पे आदमी हाँ चल रहा है तो गाड़ी चल रहा है तो क्या केस बनता है, कि एक्सीडेंट होता है तभी केस होता है? जी जी सर जी जी बताइए सही तो। बात। नहीं नहीं तो ऐसे नहीं होगा, और दोबारा जाने पड़ेगा, तिवारा जाना पड़ेगा, प्रेशर देना होगा, मगर केस भी किसी भी हाल में लेना होगा। दबाव बनाइएगा ना तो आराम से केस हाँ होगा, उसका बाप को करना पड़ेगा, दरोगा को बाप को हाँ करना पड़ेगा। हाँ समझे? सुने ना, डॉक्टर नवल किशोर कोचिनम्मा है यहाँ वाला,
बल्लम किशोर यहाँ वाला ना है बल्लम किशोर वाला। अच्छा हाँ हाँ पचनामा वाला बोला कि जाकर के सर देखिए हम लोगों का केस मेन ये भी है। अच्छा कि हम लोगों को इलाका के लोग बहुत परेशान करता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पैसा लिए तो हम लोग को परेशान करेगा ना भाई। हाँ तो सर इसके लिए हम लोगों को बचा कर, हाँ ये केस हम मानते हैं, ये केस माने हम इसके लिए हम आपको मदद करेंगे कि कोई आपको सतावे नहीं। वो आदमी जो सताएगा तो हमारे पास आप रिपोर्ट कीजिएगा और जा करके या कीजिएगा। अच्छा क्या बोला जाता है, कंप्लेन कीजिएगा। हाँ कंप्लेन कीजिएगा, हम उसको समझाएंगे अरेस्ट करेंगे। ओ कस्टमर को अरेस्ट करेगा, बुड़बक बना रहा थाना और कस्टमर। हाँ। वो तो पैसा भी दिया और वो मांगेगा भी। हाँ। नहीं हाँ आए बुड़बक तो, बना रहा थाना वाला दरोगा साहब। हाँ तो बोले इस साल हम कर सकेंगे, आई भैया कसोर है हम उसको पकड़े। अच्छा साहब भैया एक चीज और बताइए कि भाई आप तो घर पर हैं लेकिन आप सर जी आप फुल सहयोग कीजिए, जो आपसे बनता है आप जहाँ तक सहयोग का मतलब ये हुआ कि अब थाना में केस करना है। अब भाई आपको खबर मिला तो आप जाइए, कहा है कि सर जी सबको पैसा है, आपका भी कस्टमर का पैसा है, किसी भी तरह किसी भी सूरत में मिल जाए। हम कलकत्ता में है तो हम अपने जानते हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कलकत्ते के लोग भी ऐसा काम करे, है ना। जैसे आप घर पर हैं तो आप भी फुल सहयोग कीजिए, कोई भी आदमी खबर करे कि भी थाना जाना या एसपी के यहाँ जाना, कलेक्टर के यहाँ जाना, डीएसपी के यहाँ जाना है, तो भाई आप उसमें सहयोग दीजिए। जी जी आप फुल 100% सहयोग दीजिए, क्योंकि हम अकेला बंदा माहौल में हम पब्लिक को हम समझा रहे हैं कि ऐसे करना ऐसे करना, इस तरीका से करना इस तरीका से करना, बांग्ला बोल के बांग्ला बोलने नहीं आता से बोलने के लिए सीख गए। अच्छा और अब तब बच्चे लोग सब ठीक हैं? हाँ ठीक है सारे बाबू, कोई कम्मा नहीं हो रहा उसके लिए हमको गाली। नहीं नहीं कल रात में क्या हुआ ना, जीरो वाले भाई साहब के पास मिस कॉल किए थे लेकिन भूषण पंडित जी बात करने लगे और मनोज कुमार बात करने लगे तो बहुत काफी देरी घंटों देरी बात हुआ। मेरा नंबर आया जाकर के 12:30 बजे, तो हम 12:30 बजे मेरा आंख लग गया तो हम सो गए तो मोबाइल उठा नहीं पाए। अच्छा फिर उसमें फिर हम सो गए से सो ही गए। अच्छा उस टाइम आपको भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है भाई, आप भी बुरा पुरानिया आदमी है तो। अच्छा एक चीज और सर जी, आप 11 सवाल पढ़ने का कोशिश कीजिए किसी से भी मांग करके। 11 सवाल कहाँ मिलेगा आपका, मनोज कुमार के पास तो था। मनोज कुमार के पास था? हाँ आपका भूषण पंडित के पास है, मनोज कुमार के पास है, डॉक्टरवा के पास है, मैया के पप्पू जी के पास है, ये भाई किसके पास नहीं आ रहे भैया। आपके पास नॉर्मल मोबाइल है इसीलिए ना, आपका यूट्यूब वाला मोबाइल रहता हम आपको तुरंत भेज देते। आपको तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है अपना व्हाट्सएप नंबर हमको दीजिए और 11 सवाल पढ़िए और पढ़ने के बाद हम आपसे। अयुब क्या मोबाइल है तो उसने थोड़ा डर गया कि भाई 11 सवाल का मामला है इतना लिख लेना। अरे तक डरने से काम नहीं चलेगा, उसका जो पैसा बाकी है 11 सवाल जो है आपका, कोई आपका खेत बाड़ी नहीं बिक रहा। अच्छा कहने का मतलब है आप उसको पढ़ सकते हैं ना जी, पढ़ने का तो हक है ना। हाँ हाँ पढ़ने पढ़ करके आप उसमें 11 सवाल में ये कह सकते हैं कि नहीं 11 सवाल जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है या गलत है, ये तो बोल सकते हैं ना। हाँ कहने का मतलब आप साहब आप पढ़े लिखे आदमी है, आप 11 सवाल पढ़े ठीक है। अब उसमें से आपको खराब कौन सा बात लगता है? अच्छा हम आपके बात है ना, अच्छा कौन सा बात लगता है वो 11 सवाल पढ़िए और उसके बाद में पढ़ करके आप उस पर गौर कीजिए और गौर करने के बाद फिर उस पर अमल कीजिए। अच्छा उसके बाद आप हमको जवाब दीजिए कि फारूक बाबू 11 सवाल में कौन सी सही है कौन सा गलत है, हम इसका जवाब आपको हम देते हैं। कौन सा गलत बात हम आपसे बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो बोल नहीं रहे ना, कोई गलत बात। अच्छा एक चीज और आप साहब हम आपको बता दे रहे हैं, आपसे जो बात हो रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बात समझे? हाँ समझिए, आपका से जो बात हो रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग पूरा देश सुनेगा। हाँ बात होगा रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, ये रिकॉर्डिंग जीरो वाले भाई साहब के पास जाएगा और ये आप मेरे सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग पूरा देश सुनेगा कि फारूक जी या फारूक जी के सीनियर है मोहम्मद आफ्ताब जी इस तरीके से बात चल रहा है, इस तरीके से प्रोग्राम कर रहा, समझे बात को? तो क्या हम इसको देश पूरा देश को सुना सकते हैं सर जी?
हाँ नहीं, आप आदेश दीजिएगा तो हम आपका ग्रुप में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। आपके आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। काजी 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हम लोग दोनों से जो बातचीत हुई इतना देरी, तो इसको हम ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में डालेंगे तो ये चला जाएगा पूरा देश के पास। अच्छा, तो क्या हम इसको हम ग्रुप में डाल सकते हैं? और आपको आदेश के अनुसार मैं उसको ग्रुप में डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। अच्छा, डालने में कोई जेल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जेल जाना भी होगा तो वहाँ तो और खिचड़ी मिलेगा तो और अच्छा ना है। हाँ तो डाल दिया। कहने का मतलब है कि अगर जेल जाइएगा तो वहाँ दूध मिलता है, मलाई मिलता है, पारोटी मिलता है, तो खाने से तो और अच्छा है, घर से तो अच्छा रहेगा ना। और बढ़िया ना यार, डाल दे बढ़िया। हाँ, 14-15 साल के बाद निकलिएगा तो मोटा मोटी पैसा लेके भी निकलिएगा, क्या है कि वहाँ काम भी होता है। हाँ। तो बढ़िया है, डाल दीजिए। पूछना था, जल्दी डालिए। तो ठीक है आप या, और उसके बाद में आप 11 सवाल का कोशिश कीजिए। मनोज जी, या आपको कोई भी मिलता है तो आप यही चर्चा कीजिए कि 11 सवाल क्या है यार, बहुत जोर शोर से सुन रहे हैं। हमारा एक जूनियर 11 सवाल का जवाब मांग रहा, जरा वो आपको दो तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 11 सवाल पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद में हम लोग मिल करके भूषण जी तक के हम लोग फिर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है डाली। तो ठीक है सर जी, ठीक है तो सर जी मैं रखूं? हाँ बिल्कुल रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।